नमस्कार। हमने एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में सप्रतिबंध बंटन देखे हैं एवं सप्रतिबंध प्रायिकता देखी है एवं हमने घटनाओं के संदर्भ में सप्रतिबंध प्रायिकता देखी है। हमने यह देखा था कि हम किस प्रकार घटनाओं के प्रतिबंधों अथवा यदि हम अपने प्रतिदर समष्टि को प्रतिबंधित कर दें, प्रतिदर समष्टि को घटा दें, तो उसमें किस प्रकार से हमारी प्रायिकताएँ प्रभावित होती हैं। उसके बाद हमने यही चर्चा एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में की थी। यदि हमारे पास एक यादृच्छिक चर z है एवं एक प्रतिबंध m है, तब हमने यह सिद्ध किया था इस स्थिति में कि fz उपस्थित m बराबर है प्रायिकता z से अधिक नहीं है उपस्थित m बराबर है प्रायिकता z से अधिक नहीं है एवं m बटे प्रायिकता m, जहां m z का फलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अथवा यह m z पर निर्भर कर सकता है। यह हमने दर्शाया था। इसी क्रम में यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर हैं, z एवं w हैं, तब हम लिख सकते हैं fzw z w m बराबर है प्रायिकता उपस्थित m बराबर है प्रायिकता m बटे प्रायिकता। हम यह परिभाषित कर सकते हैं, यह देखना सरल है। अब यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं, तब हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रायिकता y by y का अवयव है जब x ax का अवयव है। यह बराबर होगा प्रायिकता y बी वाई का अवयव है एवं x ए x का अवयव है यह देखना सरल है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं y उपस्थित x को इस प्रकार लिखा जा सकता है y अधिक नहीं है y से x ax का अवयव है बटे ax का अवयव है यह। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यदि बराबर है प्रायिकता बटे यह। अब इसी की सीमा लेते हुए हम लिख सकते हैं
एक्स बराबर है सीमा डेल्टा एक्स प्रायिकता वाई वाई से अधिक नहीं है एक्स यह है बटे प्रायिकता एक्स यह है। अब दोनों ओर अवकलन करते हुए एफ वाई उपस्थित एक्स वाई एक्स बराबर है एक्स वाई बटे एफ एक्स यह यह सप्रतिबंध प्रायिकता का दो संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में रूप है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं एफ वाई उपस्थित एक्स उपस्थित वाई एफ एक्स एक्स उपस्थित वाई एफ वाई वाई बटे एफ एक्स एक्स यह रूप समझना अपेक्षित रूप से सरल है। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर है अनंत से अनंत एफ एक्स वाई एक्स वाई अर्थात अनंत से अनंत एफ एक्स वाई एक्स वाई एफ वाई वाई डी वाई यह इसी को यहाँ रखते हुए हम लिख सकते हैं एफ वाई उपस्थित एक्स वाई उपस्थित एक्स बराबर है एफ एक्स उपस्थित वाई एफ वाई वाई बटे समाकलन एफ एक्स उपस्थित वाई डी वाई यह दो संतत यादृच्छिक दो संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यह बेस के सूत्र का रूप है। अर्थात हम यह देख सकते हैं कि x के यदि हमें x के x होने का ज्ञान है अथवा हम यह जानना चाहते हैं कि यदि एक यादृच्छिक चर मान x धारण करे तब उसके संदर्भ में दूसरे यादृच्छिक चर का बंटन घनत्व फलन किस प्रकार होगा वह हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग आगे चलकर हम करेंगे किंतु अभी के लिए इस सूत्र को इसी रूप में देखना आवश्यक है। धन्यवाद।